उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रविवार की आधी रात में दो लग्जरी कार से पहुंची आधा दर्जन मनगढ़ों ने फायरिंग कर दहशत फैलाकर ऑर्केस्ट्रा की नर्तकियों का अपहरण कर लिया। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस ने पूरे जिले में चेकिंग शुरू करा दी। मैं रात घर पे सो रहा था, पौने 12 बजे करीब यहाँ से फोन किया परवीन, एक किराएदार, उसने फोन किया, बोला यहाँ कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और हंगामा कर रहे हैं, चारों तरफ से दरवाजे तोड़ रहे हैं, आप जल्दी आइए। फिर मैं यहाँ आया तो देखे काफी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक गाड़ी वहाँ खड़ी थी। फिर मैं उनसे पूछ, वो हमसे उन्होंने खुद पूछा आप कौन है, मैं मकान मालिक हूँ। बोले चाचा आप जाइए, ऐसी बात है, इनको हमने आज कट्टे पर लिखवाया था, गए नहीं, हम इन्हें साथ ले जाएंगे। मैं कहा ले जाने का तरीका ये नहीं होता, कायदे से टाइम से ले जाओ, अपना जो भी प्रोग्राम करेंगे। इसी बीच दो युवक सफेद रंग की कार को दौड़ाते हुए गुजरे, ये देखकर न्यूक्लियस मॉल के पास पुलिस कर्मियों ने कार को, हम यहाँ ऊपर आए थे नीचे वहाँ फायर, कार की नंबर प्लेट के ऊपर पहले दो फायर और किए, अब फायर फायर लगा हुआ था। पुलिस वालों ने जब चालक से कागजात मांगे तो पहले तो वो अपहरण बरामद कर लिया गया। इस मामले में पुलिस ने छह आरोपियों इसके बाद गुस्से में आकर वर्दी करवाने के लिए एसपी संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि इसके बाद पुलिस वाले कार सवार दोनों युवकों को गाड़ियों से छह मनबर दोनों युवकों की पहचान रवि वहाँ किराए के मकान में रहने वाली थाने पहुँचने के साथ ही दोनों युवकों ने गाड़ी में बैठाने लगे। दोनों आरोपी एसटीएसी केस दर्ज कराकर फंसाने दोनों को गाड़ा में बैठाकर धमकी दी कि भाई डीएसपी आरोपियों ने कहा कि पिता जेलर के मकान में थाने में दोनों बदमाशों ने जमकर बवाल काटा, टेबल पर रखे कागजात फाड़ दिए। इसके बाद एसपी ने बताया कि डायलेक्स 112 पर 12:30 बजे के बाद हालांकि इसकी जानकारी मिली। इसके बाद एसएसपी अपनो बात करते करते दोनों के नेतृत्व में टीम गठित कर पिटाई करते हुए एक आरोपी ने पुलिस वाले का जिले भर में बैरिकेडिंग लगाकर इसके चलते लालपुर थाने के उन पदाधिकारियों के भीतर दोनों लग्जरी गाड़ियां हैरानी की बात यह है कि घटना के वक्त थाने में केवल दो पुलिसकर्मी मौजूद थे। हालांकि पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे दोनों युवकों को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। मामले में लालपुर थाने के एएसआई सुनील मुर्मू के बयान पर दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। मामले की शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी का संबंध फैक्ट्री में आठ कारतूस और दोनों फर्जी तरीके से राजनीतिक दल का बोर्ड लगाकर मोबाइल फोन और एक नेपाली सिम, एक पावर बैंक, तीन दोनों आरोपी जमीन का अवैध कारोबार वाहन बरामद की गई। पुलिस की ओर से बताया गया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मामले में आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खाना खाकर रात में सोए थे लोग, ये फोन किए लोग, बोले हमको दो लड़की चाहिए, प्रोग्राम करवाना है। तो ये दीदी बोली इतनी रात को हम अपने लड़कों को नहीं भेज सकते हैं, और फ़ोन उनका काट दी। और उसके बाद हम लोग फ़ोन चला रहे थे, हम लोग रात में ये लोग फ़ोन किए हैं, बार बार फ़ोन कर रहे थे लोग, दीदी नहीं रिसीव की। वो लोग आए घर पे, फिर पता नहीं कौन सा मैटर हुआ हमको। वो लोग रहते हैं बंगाल में, ये लोग बंगाल के रहने वाले हैं लोग, और उन लोग का नाम है राखी और रीमा। फिलहाल तो सुन तो रहे हैं कि कप्तानगंज में है लोग। पुलिस पकड़ लिया है? हाँ, गिरफ्तार किया हूँ।